नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लगातार पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है हमको ये बताना है, ठीक है। सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है बहुत ध्यान से देखा करिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद सबसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा के स्रोतों में से एक है, ठीक। तो बिल्कुल ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल, तो तीन मुख्य रूप से हम देखते हैं, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। तो अब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं क्योंकि एक बार इनका कंजम्पशन आपने कर लिया, पेट्रोल आपने मान लीजिए गाड़ी में अपने जला लिया तो दोबारा रिन्यू तो नहीं कर सकते ना उसको, तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। और दूसरा है कि जो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार खर्च हो जाएगा दोबारा नहीं बनेगा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। अब इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के द्वारा निर्मित हुए थे। तो जैसे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में अभी हमने बताया आपको, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में यही लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। और पहला भी ये ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में आपने शायद जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पढ़ा हो, तो जैसे अभी जो वर्तमान जियोलॉजिकल साइकिल है तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, प्लांट्स के द्वारा जो सोलर एनर्जी है उसको एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में कैप्चर किया गया और उन्हीं के रूप में आप यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और इन सब चीज़ों को आज देखते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम दो कथन फिर से है कोयले के बारे में, कौन सा सही है ये देखना है। तो कोयला ठोस जीवाश्मी ईंधन होता है जो प्राथमिक रूप से कार्बन की आग्नेय चट्टानों से बना है। तो देखिए यहाँ कार्बन तक का तो स्टेटमेंट ठीक था लेकिन आग्नेय चट्टान से नहीं, ये जो है अवसादी चट्टान यानी कि जो मेटामॉर्फिक होती है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सेडिमेंट्री है ना, तो उससे बना हुआ जो है कोयला होता है, ठीक। तो इस वजह से ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि कोयले की तीन मूलभूत श्रेणियां होती हैं जो कि लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लिग्नाइट को आप जो है ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं, बिटुमिनस जो होता है वो सॉफ्ट कोयला होता है, एंथ्रासाइट है ये हार्ड कोयला के रूप में इसको जाना जाता है। तो दूसरा तो ठीक है, पहला जो है ये गलत था। अब दो स्टेटमेंट फिर से हैं, ये प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में कहा जा रहा है। तो ये मुख्यतः मीथेन से बनी होती है, बिल्कुल ठीक बात है ये, जो कि अक्सर कच्चे तेल के जो कुंड होते हैं यानी कि जैसे आप देखेंगे जो गल्फ कंट्रीज़ में आपके जो ये कच्चे तेल के जो कुएं होते हैं, ठीक है, उसके ऊपरी भागों में ये जो है प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक। और इसमें देखेंगे तो 50-90% तक का आयतन जो है नेचुरल गैस में वो मीथेन का मिश्रण है और मीथेन एक जो है साधारण हाइड्रोकार्बन है, ये आप जानते ही होंगे। इसके अलावा जैसे हम मीथेन के अलावा भी देखें इसमें तो जैसे ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, ये सब भी जो है पाए जाते हैं। थोड़ी मात्रा में देखेंगे तो सल्फाइड गैस भी नेचुरल गैस के अंतर्गत पाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से क्या है, मीथेन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए 2011 में जो हमारा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया, ठीक। और उसके बाद आगे देखेंगे तो नवंबर 2015 से इसका नाम किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सा है, ठीक है। तो जो देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ऐसे कुछ मेगा सिटीज़ को डिफाइन किया गया है, उसमें से टॉप पे है टोक्यो, ठीक है, जो कि जापान का सिटी है, ये को चुनेंगे। इसकी जनसंख्या जो है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार लगभग 3.74 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे पे शंघाई चाइना का, चौथे पे ब्राज़ील का एक शहर है साओ पालो, ठीक है। तो ये कुछ क्रम है। किस देश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो इस मामले में जो है भारत नंबर 1 पे है।
निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? अर्बनाइजेशन अगर देखें तो एक भी जो है क्षेत्र कह लीजिए ग्रामीण नहीं है। ये देश इसमें लैटिन अमेरिका कंट्री है ना, ये बरमूडा, ठीक है, ये है 100% नगरीकृत है। इसमें देखिए अब फिर से है कौन सा देश 100% नगरीकृत है, तो सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत है ना, तो ये सब देखेंगे तो इधर एशिया के रीजन में इनको जो है पूरी तरीके से ये सब 100% अर्बनाइज है। दो कथन है, सही वाला बताना है। तो अभी देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में हमने ऊपर भी बात की थी, दोनों फैक्ट बताए गए हैं आपको, ये दोनों ही ठीक है। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए अगस्त 2015 में अनाउंस किया गया था स्टार्टअप इंडिया स्कीम को, लेकिन लॉन्च हुई थी ये जो है 16 जनवरी 2016 से। सी विकल्प करेक्ट है। और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और एक तरीके से कह लीजिए नवाचार बढ़े, स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हो, ठीक है, इन सब के उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे अब गलत है? तो देखिए अभी इसके उद्देश्य और बताया गया आपको ऊपर भी, तो इसको चलाया जा रहा है जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा, ठीक है, ये भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है इसके माध्यम से चलाया जा रहा है। और यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको दूसरे विकल्प में लिखा हुआ है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई नाम भी कहा जाता है, इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये एक प्रकार का, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत है। स्पेशली जो आप ये देखते हैं ना, जो आपकी एग्रीकल्चरल मंडीज होती हैं, ठीक है, उसमें जो सेल परचेज है, उन सब में जो अभी जैसे बहुत काला बाजारी और इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं, उन सबको दूर करने और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना मुख्य रूप से उद्देश्य था, ठीक, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक प्रकार की योजना ये भी है, इसको भी फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था, ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उसके माध्यम से संचालित है, और जो अर्बन फैसिलिटीज़ या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रूरल लेवल पे, ठीक, उसको यहाँ पे इसमें लक्ष्य है कि उसको बढ़ावा दिया जाए ग्रामीण स्तरों पर इन चीज़ों को। इसमें देखिए उदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक, उदय, तो इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना कह लीजिए, ठीक है, तो इस प्रकार से इस योजना को स्टार्ट किया गया था नवंबर 2015 में, ठीक, और जो भी हमारा बिजली विभाग से संबंधित ये पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उसमें जो है फाइनेंशियल उनका जो स्ट्रक्चर था और उसके संबंध में और जो डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए सर्विसेज हैं उसको सुधार करने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय के तहत इसको स्टार्ट किया गया। एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो एक समूह है ये नाम है उनका नाइट फ्रैंक करके, ठीक है, उनके द्वारा ये एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में, ठीक, जिसके माध्यम से बेसिकली इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया था कि जैसे एशिया पैसिफिक रीजन में जो लगभग 36 सिटीज़ को इन्होंने इंक्लूड किया था, इसमें अर्बनाइजेशन प्रेशर, कार्बन एमिशन के जो क्या लेवल हैं, इसके अलावा क्लाइमेट रिस्क कितना है उस सिटी में, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या लिए जा रहे हैं, ठीक, तो इसके मामले में जो है पहला इसमें जो रैंक था ये सिंगापुर का था, ठीक। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? थोड़ा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है टाइप का है। तो देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको रिलीज कौन करता है? नीति आयोग, विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 2021 वाला इंडेक्स जो है वो अभी जुलाई 2022 के आसपास जो है इसको रिलीज किया गया, और इसमें कर्नाटका जो है ना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश कौन सा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 2022 वाले के हिसाब से सबसे टॉप पे था आइसलैंड, बी विकल्प को चुनेंगे। अच्छा एक चीज ये कमेंट करके बताइए आप लोग कि इसको रिलीज कौन करता है, कौन सा संस्थान? इंडिया बायनॉमी
बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था के किस वर्ष तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ये अभी एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। उसके अनुसार जो हमारे इंडिया में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जितने भी हैं, ठीक है, उनके एज इकोनॉमिक वैल्यू के टर्म में 2025 तक 150 बिलियन यूएस डॉलर की जो है एक तरीके से कह लीजिए पूंजी बन जाएगी। तो इसमें हम ए विकल्प को चुनेंगे। और इसी में ये भी बताया गया था कि 2030 तक ये जो है 300 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो पीएम किसान के नाम से आप ये स्कीम जानते हैं, 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन थे उसके पहले गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जो है ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था। और इसके तहत जो है तीन किश्तों में, मतलब 2,000 रुपए की किश्त होती है, तो साल भर में 6,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यह योजना गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके माध्यम से संचालित है, वित्त मंत्रालय, ठीक। और 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत खाता धारक जो हैं वो इस योजना के पात्र होंगे। तो सेविंग्स अकाउंट अगर आपके पास है तो आप इस योजना में 18 से 70 वर्ष के अगर मध्य के हैं तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और ये एक प्रकार की ऐसे समझिए तो एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का स्कीम है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा सही है, 2015 में लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए भारत की सबसे अच्छी देसी नस्ल की जो गाय है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो इससे दो प्रकार की मुख्य रूप से आप गायों के बारे में देखते हैं, जो एक देसी है और एक जो एक प्रकार से विदेशी कह लीजिए, है ना। तो अगर देसी नस्लों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अगर भारत में पाई जाने वाली राज्य की बात करें तो ये राजस्थान में पाई जाती है, विकल्प ए को चुनेंगे। इसके अगर हम उदाहरण की कुछ बात करें तो जैसे एक प्रजाति होती है राठी, कंकरेज, इसके अलावा थारपरकर होती है, साहिवाल, ये सब जो प्रजातियाँ हैं देसी गायों की यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। देखिए अभी आपको जो नस्लों के बारे में बताया गया था तो राजस्थान में पाई जाने वाली वही है, थारपरकर, राठी, साहिवाल, नागौरी, इसके अलावा मलावी, मेवाती, है ना, लाल सिंधी, ये सब जो है पाई जाती हैं राजस्थान में। अब देखिए दो कथन है कौन सा सही है, तो गायों के बारे में ही है। गंगा तीरी एक प्रकार की प्रजाति होती है जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है भारत में, और इसकी लिखा है कि दूध देने की क्षमता अत्यधिक है, तो ये गलत है। दूध देने की क्षमता इसकी जो है कम होती है एक तरीके से, ठीक। तो ये वाला हमारा कथन गलत हो जाएगा। और साहिवाल गाय की जो प्रजाति है मुख्य रूप से ये पाकिस्तान का जो ये सिंध प्रोविंस है यहाँ पाई जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। और इस प्रजाति साहिवाल जो जैसे इंडिया में भी खैर कई जगह पाई जाती हैं, परंतु जो है यहाँ पे जो बात कही गई कि मुख्य रूप से पाकिस्तान के वहाँ जो इलाका है सिंध वाला उसमें पाई जाती है, और इनकी दूध देने की क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है, ठीक। दो कथन फिर से हैं कौन सा सही नहीं है। तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1970 में ऑपरेशन फ्लड फेज वन योजना के शुभारंभ के साथ हुई। तो श्वेत क्रांति आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, तो इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 में। तो 1970 से 80 तक इसका फेज वन चला था, इसी के दौरान श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरा फेज भी चला था 81 से 85 के मध्य, और तीसरा फेज भी चलाया गया था 85 से 94 के मध्य तक, ठीक। तो ये कथन हमारा पहला ठीक है। और दूसरा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके शुरुआत का श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक। और एम एस स्वामीनाथन को जो है इसका श्रेय जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, है ना, हरित क्रांति। तो इसमें सही कौन सा नहीं था, दूसरा। अब देखें भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद जो कि एक जगह है गुजरात में, इसमें किस वर्ष में की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड के दौरान ही जो है उसको सफल बनाने के उद्देश्य से आनंद में जो ये डेयरी निगम है इसकी स्थापना 1970 में की गई। यहीं पे आप देखते हैं कि आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड, जो दूध आप खरीदते होंगे ना अमूल का, वो यही है, ठीक है। यही एक जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन है यही आगे चल करके इतना पॉपुलर हो गया है अमूल, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ध्यान रखेंगे, इसमें डी करेक्ट है। थोड़ा इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखिएगा, ज़रूरी है फैक्ट्स।
अब दुग्ध उत्पादन के संबंध में दो कथन और है कि राष्ट्रीय डेयरी विभाग सॉरी डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, ठीक है, अभी हमने ऊपर वो निगम देखा था वो अमूल वाला था, ठीक है, ये दूसरा है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसके जो है इन दोनों के नेशनल डेयरी विकास बोर्ड और डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुजिन थे। तो इन्हीं के उद्देश्य से, मतलब भारत में आप देखेंगे तो जो है ऑपरेशन फ्लड और ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा प्रयास की, तो इन दोनों से एसोसिएटेड हैं, दोनों ही कथन हमारे ठीक हो जाएंगे। इसमें देखें कौन सा कथन गलत है, तो भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले धात्विक खनिज अभ्रक अधिकांश के भंडार संचित हैं। तो आप जैसे ये पेनिनसुलर इंडिया का भाग देखते हैं, मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हुए आप इधर झारखंड छत्तीसगढ़ है ना, ये सब आंध्र प्रदेश उड़ीसा देखेंगे तो मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये कथन तो हमारा ठीक है। दूसरा है कि उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से अत्यधिक धनी हैं। तो जैसे अब इधर आप नॉर्थन इंडिया में देखिए, जैसे गैंगेटिक प्लेन का इलाका देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, मतलब एग्रीकल्चर वाइज ये सब फर्टाइल एरिया है परंतु यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो उतने नहीं हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये कथन हमारा गलत है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें जिसका नाम है गुरु महिसानी, सुलाइपत और बादाम पहाड़, ठीक है, ये तीन स्थल जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, तो ये जो है आपका यहाँ है उड़ीसा में, ठीक। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आयरन ओर की अगर बात हो रही है तो इंडिया में पाए जाने वाले मुख्य रूप से जो दो आयरन ओर्स हैं वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है ना, ये पाए जाते हैं। अगला है डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें किस अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं, तो ये दोनों स्थल आप जो देख रहे हैं ये वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, ठीक है, और ये यहाँ पाए जाने वाला जो हमारा ओर है ये आयरन ओर की जो माइंस है ये, ठीक। देखिए स्थलों के नाम ध्यान से देखिएगा, ये कई बार आते ही चीज़ें ऐसे पूछी जाती हैं। अगला है कि पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है, ठीक, तो ये कई बार वैसे भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 4 डिग्री पे जो है यहाँ पे ये इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं देखेंगे सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, कई बार दूसरे फॉर्म में भी पूछता है जैसे कि इसको मतलब ऐसे लिख देंगे 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये है 4 डिग्री पे जो है वाटर का हाइएस्ट डेंसिटी, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिए। इसमें देखिए दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है ये देखना है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वॉल्यूम आप चेंज कर दीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का है ना, तो डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका घनत्व जो है जैसा है वो वही रहेगा, चाहे आप उसको जो है 10 टुकड़ों में भी बांट दीजिए लेकिन उसकी डेंसिटी जो है ना किसी वस्तु की वो नहीं बदलेगी वॉल्यूम बदलने पर, ठीक। और दूसरा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायुदाब की अधिकता के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है, तो ये देखिए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जैसे उसमें किसी पेन में जो इंक भरी गई वो अर्थ के सरफेस पे भरी गई, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उसके प्रेजेंस में भरी गई, ठीक है, परंतु जब आप प्लेन से ऊपर गए तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक, तो इस वजह से जो कि पेन में ज़्यादा है प्रेशर बाहर कम है, तो इस वजह से पेन जो है वो एक तरीके से ब्लास्ट कर जाएगा और इंक जो है निकलने लगेगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, सिर्फ पहला जो है ये सही है। आकाश का रंग नीला प्रतीत जो होता है उसका कारण क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश की जो ये घटनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं इसमें लाइट का ये स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन होता है, उसकी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो कोई भी जो है किसी भी साउंड सोर्स की फ्रिक्वेंसी है उसमें उतार चढ़ाव जो होता है इसको आप जानते हैं साइंटिफिक रूप में डॉपलर इफेक्ट के रूप में। इसका कोई उदाहरण अगर आपको पता है जरा हमको कमेंट करके बताइए। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो इमेज आपके रेटिना पार्ट पे फॉर्म होता है इसकी वजह से आप किसी वस्तु को समझ पाते हैं कि वो क्या है, तो इसकी जो आकृति होती हो वास्तविक होगी परंतु उल्टा प्रतिबिंब होता है यानी कि इन्वर्टेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। इसको जो है इमेज के द्वारा समझ लीजिएगा थोड़ा सर्च करके। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये बताना है, तो ये की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 के अराउंड।
दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही नहीं है देखिए। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करती है, तो ये जो है कथन ठीक है। दूसरा है कि सापेक्षता का सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था, तो फिजिक्स में आपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो पढ़ी होगी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सिर्फ ठीक है। आगे देखें फिर से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं स्पेस एजेंसीज के द्वारा, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी, तो ये कथन ठीक है। दूसरा है किसी शरीर का वजन ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इक्वेटर जो 0 डिग्री होता है ना, यहाँ पे मिनिमम होगा, और जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। इसमें देखें कौन सा कथन सही है। तो ये हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, उसकी परिभाषाएं लिखी हैं कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई के पास अतिरिक्त धनराशि जमा की जाती है कॉमर्शियल बैंक जो हैं उनके द्वारा, और इसके माध्यम से उन्हें जो है इंटरेस्ट मिलता है, और शॉर्ट टर्म के लिए जो उधार लिए जाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा आरबीआई से, उनको वो मतलब रेपो रेट के तहत लिए जाते हैं। तो दोनों जो है कथन हमारे ठीक हैं, इनको डिटेल में भी प्लीज़ पढ़िए, इकोनॉमी में कई बार जो है और डिटेल की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इन दिए हुए विकल्पों में देखेंगे तो ये होता है सिल्वर, चांदी। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो तांबे का लगभग 53.81% जो प्राकृतिक स्रोत है भारत में, वो राजस्थान राज्य में पाया जाता है, तो ये कथन ठीक है। आंकड़े यहाँ पे ध्यान से याद करिएगा। और खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ठीक है। खेतड़ी भी जो है एक झुंझुनू जिला जो है वहाँ स्थित है, ठीक, राजस्थान का। तो दोनों कथन हमारे जो है तांबे के उत्पादन के संबंध में ठीक है। इसमें देखें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो भी स्थल लिखे हैं और जो राज्य हैं, ये बॉक्साइट के उत्पादन में जाने जाते हैं सारे स्थल। तो उसी क्रम में अगर देखेंगे कोलाबा है, कोलाबा, रत्नागिरी और सतारा, ये सब महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी के सब ठीक हैं। ये सारे जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का, कौन सा कथन इसमें देखिए गलत है। तो ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड आप जानते हैं सबसे ज़्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और फिर वैक्यूम में कह लीजिए या फिर गैस में कह लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे अब चूंकि इस्पात यानी कि स्टील क्या है, सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि की स्पीड होगी, बिल्कुल ये ठीक है। और सोनार के बारे में हमने पहले बताया है, एक टेक्नोलॉजी जो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो सोनार वेव्स का जो इस्तेमाल है अधिकांशतः ये यहाँ पे देखिए नौ संचालकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं जैसे कि जो हमारा पनडुब्बी वगैरह है या फिर जो डाइवर्स हैं, ये सब यूज़ करते हैं, जो हमारा ओशन वगैरह है जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं किसी प्रकार से। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं उसके बारे में डिटेल में भी पढ़िएगा, ठीक, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।